मालिक मालिक जल्दी आइए मालिक, कहाँ गए मालिक? पहले आवाज देने नहीं हुआ, पूरा पानी बहा दिया है। एक तो ऐसी पानी की किल्लत है। हाँ इसमें भी हमारी गलती है, कब से हम आवाज दे रहे हैं, आप ही ना वो कान में चुक कर बैठ जाते हो, सुनते नहीं हो। दोस्तों आप जो साइड में चैनल देख रहे हो, आपने स्टार्टिंग में जो मेरी वीडियो देखी, ये अपने चैनल पर सेम वैसी ही वीडियो अपलोड करते हैं। ये अपनी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और तीनों प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी करते हैं। अगर हम इनके वीडियो की व्यूज़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो 44 मिलियन, 39 मिलियन, 38 मिलियन इनकी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं। इस तरह की इनकी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं। आप भी इस तरह की वीडियो बहुत आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। आपको वीडियो में आइडियाज़ कहाँ से लाना है, वीडियो को शूट कैसे करना है, वीडियो को एडिटिंग कैसे करना है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आपने स्कूल या कॉलेज में ड्रामा टॉपिक तो पढ़ा होगा। वो ड्रामा टॉपिक में सबके किरदार अलग अलग होते हैं, जैसा कि मालिक के किरदार अलग होते हैं, मुलाजिम के किरदार अलग होते हैं, सबके एक अलग अलग किरदार होते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको वो सारे किरदार को अकेला करना है, आप ही को मालिक बनना है और आपको ही मुलाजिम भी बनना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो आइडियाज़ के बारे में। आपको वीडियो आइडियाज़ लाना कहाँ से है? ये वीडियो के जो आइडियाज़ होते हैं वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि आपने मेरी वीडियो को देखा, वो बकेट में पानी भर के बह रहा था। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब नहाने जाते हैं तो नल को ऑन कर देते हैं और जब बकेट भर कर बहने लगता है उसके बाद नल को क्लोज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। तो आपको एक आइडियाज़ के बारे में मैं और बता देता हूँ। जैसा कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने रेडी होकर जा रहे हो, तो आप जब अपने दरवाजे को लॉक करोगे तो आपको दरवाजे को भी बुला सकते हो। जैसे कि आपका दरवाजा आपसे कहेगा, मालिक कहाँ जा रहे हो इतना सज धज के, डेट उठ पर जा रहे हो क्या? ऐसे भी आप आइडियाज ले सकते हो। एक आइडियाज के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। जैसा कि आप रात में सोने लगते हो, तो सोते टाइम जब आप अपना सर पिल्लो पर रखते हो तो आपका पिल्लो आपसे कहेगा, मालिक सोइएगा मत, अभी भाभी का मैसेज आने वाला है। अक्सर ऐसा होता है रात में कि रात में लोग ज्यादा जब सोने लगो तभी मैसेज आता है, जब इंतजार करो तब नहीं आता है। तो ये बात हो गई चैनल आइडियाज के बारे में। जब आप इस पर काम करोगे ना तो आपका दिमाग और खुलेगा और आपको ऑटोमेटिक ये सारे चैनल के आइडियाज आने लगेंगे। तो ये सारी बातें हो गई चैनल आइडियाज के बारे में। अब हम बात करेंगे वीडियो को शूट कैसे करें। तो वीडियो को शूट करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के आइडियाज होना चाहिए, आपके दिमाग में वो याद होना चाहिए, आप उसे लिख के रख लेना। तो आपको सबसे पहले इमेज सर्च मैन को ओपन करना है, यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम जैसे ही आप ओपन करोगे आपको यहाँ डाउन में रील का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको ओपन करना है। आप इसको ही जैसे ओपन करोगे उसके बाद आपको ऊपर यहाँ कैमरे का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ सेकंड नंबर पर इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको डाउन में यहाँ पर सबसे पहले सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आपको ये सर्च वाले ऑप्शन पर ओके करना है। आप इस पर जैसे ही ओके करोगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है फेस बिल्डर। आप जैसे ही फेस बिल्डर लिखोगे आपके सामने यहाँ पर एक फेस बिल्डर का फिल्टर आ जाएगा, आपको इस पर ओके कर लेना है। आप जैसे ही इस पर ओके करोगे ये ऑटोमेटिक आपके माउथ और आपके आईज को एक कैप्चर कर लेगा, ऑटोमेटिक आपके आईज और माउथ को कैप्चर कर लेगा, ये आपके पूरे फेस को कैप्चर नहीं करेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऐड मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे ऐड मीडिया के ऑप्शन पर ओके करना है। आप जैसे इस पर ओके करोगे आपको देख सकते हो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी फोटोज दिख जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से भी इस फोटोज में अपने माउथ और आईज को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको साइड में एक ऑप्शन और दिखेगा कैमरा रोल का, आपको इस कैमरा रोल पर ओके करना है और यहाँ से आपको वो ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको ये ग्रीन स्क्रीन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना है, जैसे कि आप जो भी चीज को बोलवाना चाहते हो उसकी रिकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पर करना है। तो आपको रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर ओके करना है और आपको यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग करना है। ये रिकॉर्डिंग ऑन है, अगर आपको यहाँ से उसको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर ओके करना है। नेक्स्ट पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एरो का ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, इस पर ओके करके आपको ये रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको जैसे कि मैंने अभी मेरे वीडियो में आपने देखा, एक जो बकेट था वो बकेट सिर्फ बोल रहा था और उसके बाद फिर एक मालिक बना था जो वो मैं बोल रहा था। अगर आप चाहते हो कि दो चीज बोले उसके बाद फिर वो दो चीज बात करके आपस में लड़े, फिर उसके बाद आप आओ वहां पर बोलो कि क्यों लड़ रहे हो, मतलब कि यहाँ पर तीन लोगों का रोल होना चाहिए, मतलब कि जैसे दो मुलाजिम होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर आप भी एक उसमें ऐड होना चाहिए मालिक। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक एप्पल है और एक मैंगो है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं एप्पल और मैंगो को ले लेता हूँ और आप चाहते हो कि एप्पल बोले तो मैंगो सुने, लेकिन मैंगो पर भी आपके फेस और माउथ होना चाहिए कि वो सुन रहा है, दोनों पे दिखना चाहिए। तो ऐसी वीडियो आपको रिकॉर्ड कैसे करना वो मैं बताता हूँ। तो आपको रिकॉर्ड पर ओके करना है। तो जैसे अभी आपको एप्पल को पहले बोलवाना है, तो
तो आपको जो एप्पल को बुलवाना है वो बात आपको शुरू में बोल लेना है, उसके बाद फिर आपको 5 से 10 मिनट खामोश रहना है, आप चुप हो जाएंगे लेकिन रिकॉर्डिंग को ऑन ही रहने देना। उसके बाद फिर अब आपको ये समझो एप्पल की रिकॉर्डिंग हो गई, अब आपको मैंगो को बुलाना है और एप्पल सुनेगा। तो आपको क्या करना है, जब आप रिकॉर्डिंग करो तो पहले शुरू में आपको ये मैंगो के लिए आपको पहले शुरू में 5 से 10 मिनट खामोश रहना है, क्योंकि अभी वो टाइम एप्पल बोल रहा है, तो आपको मैंगो के लिए खामोश रहना है। तो आप मैंगो के लिए 5 से 10 सेकंड खामोश रहेंगे, उसके बाद फिर आपको बोलना है। अभी आप में जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, मैं आपको वो एडिटिंग में पूरा वो भी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो ये बात हो गई अभी रिकॉर्डिंग की। अब आपको अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करना है, अभी आपने जो आप किसी चीज़ को बुलवा रहे हो उसकी आपने रिकॉर्डिंग कर ली, अब आपको आपकी खुद की रिकॉर्डिंग करना है। तो आपको अपने मोबाइल को इस तरह से लेना है और अपने कैमरे को ऑन करना है, रिकॉर्डिंग को चालू कर देना है और आपको जो रिकॉर्ड करना है वो आप बोल सकते हो, वो आप यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इस तरह से ये बात रिकॉर्डिंग की हो गई, ये सारी बात रिकॉर्डिंग की यहाँ पर हो गई। अब जो आपके मेन काम है, मेन इंपॉर्टेंट काम है, वो एडिटिंग का है। अब हम बात करेंगे एडिटिंग की, तो एडिटिंग को ध्यान से देखना। तो एडिटिंग करने के लिए आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पर ओके करना है, उसके बाद आपको इसके रेशो को 9:16 ले लेना है, फिर यहाँ से आपको क्रिएट पर ओके कर देना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको वो वीडियो यहाँ पर लाना है जिसको आपको बुलवाना है, जैसे कि वो बकेट आपने देखा था, वो बकेट बोल रहा था मेरी वीडियो में, तो वो बकेट की वीडियो को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो आपको मीडिया पर ओके करना है, मीडिया पर ओके करने के बाद वो वीडियो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि वो वीडियो को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आपको वो वीडियो यहाँ पर लाना है जिसमें माउथ और आइस है जो आपने इंस्टाग्राम से रिकॉर्ड किया है, तो आपको लेयर पर ओके करना है। लेयर पर ओके करने के बाद आपको मीडिया पर ओके करना है। मीडिया पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर ओके करना है और वो वीडियो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये वीडियो में मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है। आप जब रिकॉर्डिंग करोगे तो शुरू में जहाँ से आप नहीं बोलोगे उस हिस्से को आपको काट देना है, तो यहाँ से मैं इतने हिस्से को काट देता हूँ, तो इस पर आपको ओके करना है। फिर आपको ट्रिम पर ओके करना है, ट्रिम पर ओके करने में आपको यहाँ पर लेफ्ट पर ओके कर देना है, वो हिस्सा यहाँ से कट गया, अब ये वीडियो डायरेक्ट बोलना शुरू करेगा। तो अभी आपको इससे क्या रहे देख सकते हो, ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, तो आपको इसको ग्रीन स्क्रीन को हटाना है। तो आपको इस पर ही ओके करना है और आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, आपको ये क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आपको ओके करना है। इस पर ओके करने बाद आपको इसे इनेबल कर देना है। आप जैसे ही इनेबल करोगे देखो यहाँ से ये ग्रीन स्क्रीन हट गया है, तो आपको इसे आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। इस तरह से आप इसे छोटा करके यहाँ पर इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगा सकते हो, आप इसे यहाँ पर लगा दोगे। अब आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से ऐसे बोलेगा, मालिक मालिक जल्दी आइए मालिक, कहाँ गए मालिक। अब यहाँ पर ये बोलना बंद कर दिया, तो आपको क्या करना है, जहाँ से ये बोलना बंद किया अब आपको वहाँ से भी ये कट कर देना है। तो इस पर आपको ओके करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रिम पर ओके करना है। ट्रिम पर ओके करने में आपको यहाँ से ट्रिम राइट पर ओके कर देना है। ये हिस्सा भी यहाँ से कट गया। अब आपको ये जो ऊपर ये दिख रहा है, ये टाइमलाइन जो दिख रहा है, इस पर आपको ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर ये ट्रिम पर ओके करना है, फिर ये आपको स्प्लिट पर ओके कर देना है। अभी देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों हिस्सा अलग हो गया। अब हमें यहाँ पर वो वीडियो लाना है जो वीडियो हमें अपनी फेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जैसे कि मैं यहाँ पर वो वीडियो ला लूँगा जो मैंने अपने फेस की यहाँ पर रिकॉर्डिंग की है। तो आपको ये जो आपका कर्सर दिख रहा है ना, ये डंडी जो आपको दिख रही है, इसको आपको यहाँ पर रखना है, ये बीचों बीच में इस तरह से आपको रख देना है। उसके बाद फिर आपको मीडिया पर ओके करना है। मीडिया पर ओके करने के बाद आपको वो वीडियो आप यहाँ पर ले आएंगे, जो वीडियो आपने जिस वीडियो में आपने अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग की है। अभी देख सकते हो वीडियो में मैंने यहाँ से यहाँ तक का कुछ नहीं बोला हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ तक आपने नहीं बोला इसे डिलीट कर देना है। तो आपको ट्रिम पर ओके करना है, यहाँ से ट्रिम लेफ्ट पर ओके कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। मालिक मालिक जल्दी आइए मालिक, कहाँ गए मालिक। पहले आवाज़ देने नहीं हुआ, पूरा पानी बहा दिया है, एक तो ऐसी पानी की किल्लत है। देखो यहाँ पर बोलने के बाद फिर मैं यहाँ पर चुप हो गया, यहाँ तक वीडियो खत्म हो गई। तो आपको ये हिस्से को भी डिलीट कर देना है। तो आपको क्या करना है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद आपको ट्रिम पर ओके करना है, ट्रिम राइट पर ओके कर देना है। ये हिस्सा भी डिलीट हो गया है, आप देख सकते हो। अभी आपको क्या करना है, इसमें देखो ये जो ये आवाज़ है, इसकी पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसे आपको कम करना है। तो आपको मिक्सर पर ओके करना है, यहाँ से इसकी आवाज़ को आपको 30 पर कर देना है। इसकी आवाज़ को आप यहाँ से 30 पर कर देंगे, इस तरह से आप इसकी आवाज़ को कम कर देंगे। इसी तरह से आपको इसकी भी आवाज़ को जो है ना कम कर देना, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो सुनाई दे अच्छे से। तो इसकी आवाज़ को हम यहाँ से 30 पर कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद फिर आपको वो एक और माउथ का जो आपका वीडियो है उसको लाना है। तो आपको इस पर ओके करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर पर ओके करना है। लेयर पर ओके करने के बाद आपको मीडिया पर ओके करना है। मीडिया पर ओके करने के बाद आप यहाँ से इंस्टाग्राम का ऑप्शन देखिए, आप उससे ओके करेंगे। ओके करके फिर आपको वो वीडियो भी यहाँ पर ले आना है। अभी देख सकते हो ये वीडियो में भी मैंने यहाँ तक कुछ नहीं बोला है,
यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया है तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। इस पर ओके करेंगे, ओके करने बाद आपको यहाँ ट्रिम पर ओके करना है, फिर ट्रिम लेफ्ट पर ओके कर देना है, फिर इसे पकड़ कर आपको यहाँ स्टार्ट यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर आपने लाया, फिर आपको इसी पर ओके करना है, फिर यहाँ से स्क्रॉल करना है। अभी हमें इसे ग्रीन स्क्रीन को हटाना है तो स्क्रॉल करेंगे, क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको ओके करना है, फिर यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना है। इसको देखो ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर भी हट गया, फिर इसे यहाँ पर छोटा करके इस तरह से एडजस्ट करके आपको इसे यहाँ पर लगा देना है। इसे आपने यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हो आप ये वीडियो में भी यहाँ पर मैं यहाँ पर इतना बोला, इसके बाद मैं चुप हो गया, तो मुझे यहाँ तक का इससे भी डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हो इस पर आपको ओके करना है, ओके करने बाद आपको यहाँ पर ट्रिम पर ओके करना है, फिर उसके बाद राइट पर ओके कर देना है। और आपको देखो ये हिस्सा भी आपका यहाँ पर वीडियो से बड़ा है तो आपको इसे भी डिलीट करना है, इस पर ओके करना है, फिर आपको ट्रिम पर ओके करना है, फिर ट्रिम राइट पर ओके कर देना है। ये वीडियो यहाँ पर रेडी हो गई है, ये वीडियो आपने शुरू के स्टार्टिंग में देखा, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। मालिक मालिक जल्दी आइए मालिक, कहाँ गए मालिक? पहले आवाज़ देने नहीं हुआ, पूरा पानी बहा दिया, एक तो ऐसी पानी की किल्लत है। हाँ इसमें भी हमारी गलती है, कब से हम आवाज दे रहे हैं, आप ही ना वो कान में चुककर बैठ जाते हो, सुनते नहीं हो। तो इस तरह से आपको ये वीडियो को रिकॉर्ड करना है। अब मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपको अगर जैसे अब ये दो कैरेक्टर है, दो रोल है, यहाँ पर आपको अगर तीन कैरेक्टर लेना है, तीन रोल अदा करना है, तो उसे आपको कैसे क्रिएट करना है। तो पहले इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप जब अगर तीन रोल अदा करोगे तो फिर आपको वो वीडियो कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने एप्पल और मैंगो का आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल भी बताया था, तो आपको क्या करना है, मीडिया पर ओके करना है। मीडिया पर ओके करने बाद आपको वो इमेज को ले लेना है जो भी आपकी दो रहेंगे, आप जिसके बारे में बताने वाला हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एप्पल और मैंगो के बारे में बताने वाला हूँ, तो वो इमेज को मैं यहाँ पर ले लिया। तो आपको यहाँ पर पेन जूम पर ओके करेंगे, आप क्या करना कि आपकी जो वो इमेज रहेगी ना, यहाँ पर 9:16 में ही लेना, उसको आपको 9:16 में ही शूट करना। ये इमेज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको आपको ऐसे जूम कर लेना है थोड़ा, इस तरह से आपको इसे बड़ा कर लेना है। जैसे कि मैं इस तरह से बड़ा कर लिया, अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेना, इस तरह से आपको ये वीडियो को बड़ा कर लेना, जितनी बड़ी आपकी वीडियो रहेगी उतना बड़ा आपको करना है। अब हमें यहाँ पर वो जो इंस्टाग्राम से आप रिकॉर्डिंग किए रहेंगे अपने माउथ और आइस का जो बनाए रहेंगे, उसको आपको यहाँ पर लाना है। तो लेयर पर ओके करना है, लेयर पर ओके करने में आपको मीडिया पर ओके करना है, मीडिया पर ओके करने बाद आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर ओके करके आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें से आपको वो क्रोमा की हटा देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्रोमा की पर ओके करना है, फिर इनेबल कर देना है, ये यहाँ से हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे लाकर यहाँ पर ऐसे एप्पल पे यहाँ पर लगा देना है, जैसे कि ये एप्पल अभी बोलेगा। तो यहाँ पर आपने लगा दिया, अभी यहाँ पर देखो यहाँ से ये बोलना स्टार्ट कर रहा है, तो इतना हमें कट कर देना है, इस पर ओके करना है, ट्रिम पर ओके करना है, यहाँ पर कट कर देना है। अभी ये यहाँ से देखो बोलना स्टार्ट करेगा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से ये बोलना स्टार्ट कर रहा है, ये यहाँ से बोल रहा है। तो हमने एक और रिकॉर्डिंग की थी मैंगो के लिए, तो मैंगो में हमने शुरू में खामोश था, लास्ट में बोला था, तो वो भी हमें यहाँ पर लाना है। तो उसको लाने के लिए आपको वापस से लेयर पर ओके करना है, फिर आपको मीडिया पर ओके करना है, फिर आपको वहीं से इंस्टाग्राम पर ओके करना है, और आपको वो वॉइस जो आपने दूसरी सेकंड में रिकॉर्ड की थी उसे भी आपको यहाँ पर ले आना है। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ क्रोमा की पर ओके करना है, इस पर इनेबल कर देना है। फिर इसको यहाँ पर आपको मैंगो पर ऐसे छोटा करके आपको मैंगो पर यहाँ पर लगा देना है, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पर ये दोनों की आवाज़ मैंने म्यूट किया हूँ, आपको मैं यहाँ पर फिर भी प्ले करके दिखाता हूँ। आप इसका एक्शन देखो, जब एप्पल बोलेगा तो मैंगो यहाँ खामोश रहेगा, देखो एप्पल बोल रहा है और मैंगो यहाँ सुन रहा है इसकी। अब आप देख सकते हो इसकी, देखो ये जो नज़र है ये साइड दिख रही है आपको, एप्पल की जो आपको नज़र दिख रही है ये साइड दिख रही है, मैंगो की नज़र आपको ये साइड दिख रही है। तो आपकी जो इसकी आंखों की जो नज़र है आपको ये तरफ करना है ताकि वो इस तरफ देखे, अभी लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है, तो आपको राइट हैंड साइड करना है। तो आपको क्या करना है, एप्पल वाले पर ओके करना है, फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, और आपको रोटेट पर ओके करना है, फिर इस पर आपको ओके कर देना है। देखो आप जैसे इस पर ओके करोगे तो इसकी जो नज़र है वो ये तरफ हो जाएगी, इस तरफ अब ये देखेगा, ये मैंगो की तरफ देख रहा है। इसी तरह आपको मैंगो पर भी ओके करना है, मैंगो पर ओके करना है, फिर यहाँ से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने पर आपको रोटेट पर ओके करना है, ये पहले वाले पर आपको ओके कर देना है। इसकी नज़र भी देखो इस तरफ हो गई है। तो आपको मैं ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से अभी एप्पल बोल रहे हैं तो मैंगो सुन रहे हैं, तो इसी तरह से ये ऐसे ये वीडियो देखो दोनों की नज़र एक जैसी हो रही है। अब यहाँ पर देखो एप्पल चुप हो गया तो मैंगो बोल रहा है, क्योंकि हमने इसी तरह से आपको रिकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पर देखो एप्पल चुप हो गया तो मैंगो बोल रहा है, तो इसी तरह से आपको ये रिकॉर्डिंग करना है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ कि आपको कैसे रिकॉर्डिंग करना है, तो ये सारी चीज़ आपको इस तरह से रिकॉर्ड करना है, और इस तरह से रिकॉर्ड करने के बाद आपको इसी मेथड को अप्लाई करके ऐसे ही आपको एडिटिंग करना है। फिर ये सब एडिटिंग करने के बाद आपको इसको सेव करना है, तो आपको ये एरो पर ओके करना है, फिर आपको यहाँ से सेव वाइज वीडियो पर ओके करना है, ये वीडियो आपकी सेव हो जाएगी।
तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो में सारा कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।